उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट यूं तो गत दिनों शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं, लेकिन क्या आपने बागेश्वर जिले के बद्रीनाथ धाम के बारे में सुना है? जी हाँ, बागेश्वर के कांडा में बद्रीनाथ धाम है जिसके कपाट भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बंद हो गए हैं। बागेश्वर के कांडा में भगवान बद्रीनाथ का मंदिर विराजमान है। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्तियां रखी गई हैं, जिनकी नियमित तौर पर पूजा होती है। जानकार बताते हैं कि कांडा के बद्रीनाथ धाम की भी दूर दूर तक मान्यता है। गत दिवस मंदिर में अखंड रामायण के उपरांत मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज हमारे यहाँ पर भंडारे का आयोजन हो रहा है, इसमें क्षेत्र की सभी जनता यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए आएगी। जैसे कि बद्रीनाथ में होता है वैसे ही यहाँ पर होता है, उसी से रिलेटेड आएगी। और यहाँ पर भी जब केवाड़ बंद हो जाएंगे तो उसके बाद जो है जब कोई पूजा अर्चना है, कोई विशेष महत्व होता है उसी के दौरान उसी के हिसाब से यहाँ पर केवाड़ खुले। देखिए, ये बद्रीनाथ और केदारनाथ और भैरव मंदिर, तीन मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई। ये स्थापना तब हुई जब बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई थी, उसके साथ साथ यहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ की भी स्थापना की गई। और वही फल जो फल बद्रीनाथ में जाके भक्तों को मिलता है, वही फल यहाँ पर भी प्राप्त होता है। और ज़रा दुरुस्त गांव में होने के कारण लोगों को इसके बारे में जानकारियाँ कम हैं। मंदिर तो हमारा ये काफ़ी प्राचीन है, मूल इतिहास तो खैर हमें पता नहीं है, पर हमारे बुजुर्ग हमारी कई पीढ़ियाँ इसको पूछते आई हुई है। पर हमारा पहले छोटा मंदिर था, सन 1993-94 में इसका जीर्णोद्धार हुआ। तो उसमें जब हमने मंदिर में जो है बुनियाद बनने के लिए खुदाई शुरू करी, नया मंदिर बनाने के लिए, तो इसमें हमको पुरानी मूर्तियाँ मिली जो कई टूटी हुई थी, कई साबुत भी निकली और इसमें चक्र भी निकले। और इसमें जो है पूरे पिलरों में लोहे के अंकुश भी लगे हुए थे। तो हमको ऐसा लगता है कि ये मंदिर हमारा काफ़ी प्राचीन रहा होगा और भव्य रहा होगा। ये नारायणगढ़ में बद्रीनाथ का प्राचीन मंदिर पहले से जमाने से यहाँ रहा है। पहले ज़माने में यहाँ जो है काफ़ी पूजा अर्चनाएँ यहाँ होती होंगी। बीच में जो है यहाँ ये मंदिर कोई भूस्खलन के कारण दब जाने के कारण लगभग इसकी मूर्तियाँ सब बंद हो गई थी। लगभग 20 साल पहले मंदिर पुनः स्थापना यहाँ पर की गई। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।